दोस्तों कहते हैं कि पिता को बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और बेटियों को भी अपना मायका बहुत प्यारा होता है। क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों एक पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण किया उनकी 12 बेटियों ने मिलकर। जी हाँ, पिता की इच्छा थी कि 12 बेटियां उनके शव को कंधा दें और आखिरकार बेटियों ने किया भी यही। 12 बेटियों ने पूरी की पिता की अंतिम इच्छा, शव को दिया कंधा, किया अंतिम संस्कार। क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं। आमतौर पर भारतीय समाज में माता पिता के पार्थिव शरीर को कंधा और मुखाग्नि की परंपरा बेटों की है, लेकिन महाराष्ट्र में एक पिता की अर्थी को 12 बेटियों ने कंधा देकर साबित किया कि माता पिता के लिए हर संतान बराबर है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के शेंदू रजना गांव में पुरुष प्रधान संस्कृति को पीछे छोड़ 12 बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। 92 साल के बुजुर्ग सखा राम का 29 जनवरी को निधन हुआ। उनका कोई पुत्र नहीं था लेकिन बेटियां 12 थी, तो 12 बेटियों ने मिलकर अपने पिता को दी कंधा और पहुंचाया शमशान घाट और मुखाग्नि दी। मृतक सखाराम ने गांव में सामाजिक कार्यों को किया है, सक्रिय रहे हैं और अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ा था। अंतिम संस्कार के बाद उनकी बेटियों ने कहा कि उनके पिता की यही इच्छा थी कि हम उन्हें स्वर्ग के रास्ते तक लेकर जाएं, यानी कि हम उन्हें कंधा दें और मुखाग्नि देकर उनकी अंतिम इच्छा पूरी करें। हमने अपने दिखा दिया कि हम बेटों से कम नहीं है। क्या कहेंगे इस पर, आपकी राय क्या है जरूर दें।